नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अमेठी की, जहां अमेठी में एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच में जिला कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को समाजवादी पार्टी के विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं विधायक की लताड़ सुनकर अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली। देखिए ये रिपोर्ट। खबर अमेठी से, जो एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से जिले के कृषि निदेशक सहित कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक की लताड़ सुनकर अधिकारियों ने चुप्पी साधी। विधायक ने अधिकारियों को प्रोटोकॉल सिखाया। बता दें कि विधायक ने कहा कि कृषि अधिकारी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप जनप्रतिनिधि के मंच पर बात कर रहे हैं, आपको यही ज्ञान नहीं है कि आप जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी सहित जिले के कृषि विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में आए हैं, और क्या रहा इस कार्यक्रम का? यहाँ अमेठी में ये व्यापारियों का, खास करके जो कृषि के दवाओं का या कीटनाशकों, मतलब कृषि के जरूरत के, किसानों की जरूरत की दवाएं या उर्वरक की जो दुकानें व्यापारी हैं, उनका एक संगठन यहाँ बना और उन्हीं का सम्मेलन था, और उसमें जिला अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था और उसी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज आपके तल्ख तेवर दिखाई दिए मंच पे, इससे क्या? तल्ख तेवर रहे होंगे, लेकिन धरातल पे थे, ईमानदारी के थे, सत्यता के साथ थे। अमेठी से सीनियर संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। अमेठी में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी का कृषि विभाग के अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष ने कहा कि हम भी किसान थे, फिर विद्यार्थी बने और फिर व्यापारी बने। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर अमेठी से, जो एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी का कृषि विभाग के अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। उर्वरक साथ ही साथ कृषि व्यापारी के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने पहुंचकर कृषि विभाग के अधिकारियों के समक्ष क्षेत्र के कृषि व्यापारियों के संबंध में बात रखी। कृषि अधिकारियों और व्यापारियों के बीच होने वाले सामंजस्य को लेकर मंच से कहा। राजेश अग्रहरी ने कहा कि हम सभी किसान, फिर विद्यार्थी बने और फिर व्यापारी। व्यापार कैसे चलता है हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। इस एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन में प्रथम महाअधिवेशन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी पहुंचे थे। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। बदायूं में थाने से शिकायत कर घर जा रहे दंपत्ति को रास्ते में दबंगों ने जमकर पीटा। पीड़ित दंपत्ति ने बिलसी थाना पुलिस को दोबारा तहरीर देकर गुहार लगाई। जानिए पूरा मामला। खबर बदायूं से, जहां थाने में शिकायत करना एक दंपत्ति को भारी पड़ गया। दबंगों ने दंपत्ति की जमकर पिटाई कर दी। थाने से शिकायत कर घर जाते वक्त रास्ते में दबंगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित दंपत्ति ने बिलसी थाना पुलिस को दोबारा तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव के निकट पुलिया के पास दबंगों ने बहरहमी से मारपीट की। गांव में हुई मारपीट की शिकायत कर घर जाते वक्त मारपीट हुई। बिलसी थाना क्षेत्र के नगला शाहबाद गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। लता, क्या मामला बेटा? इधर से तहरीर दे के गए थे हम लोग, तो पुलिया पे घेर लिया उन लोगों ने, मारपीट करी है। मेरे आदमी के गले में उन पर हाथ चलाया उन लोगों ने, छोटे भी हाथों में, कमर में भी है। नंगला साहबाद अभी कहाँ पर आए? अभी दिल से थाने में। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया के कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी रेलवे अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने और रेलवे विभाग में स्कैम का ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करता था। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बलिया से, जो कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी रेलवे अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने और रेलवे विभाग में स्क्रैप का ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करता है। पुलिस ने गिरफ्तार ठग के पास से 5,000 रुपये नकदी, रेलवे विभाग का फर्जी आईडी कार्ड, 4 चेकबुक, मोबाइल, टैबलेट सहित अन्य चीज़ें बरामद की हैं। गिरफ्तार ठग अपने आप को रेलवे का वरिष्ठ अभियंता बताकर पैसे की ठगी करता था। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एवं रेलवे में स्क्रैप का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में
वांछित अभियुक्त राजीव रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से फर्जी रेलवे का अधिकारी बनकर ठगी एवं धोखाधड़ी करता था। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव क्षेत्र के दयामगंज समोधीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से श्री बालाजी स्टूडियो ऑनलाइन सेंटर में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं पीड़ित ने स्थानीय थाने में लिखित तहरीर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो उतराव क्षेत्र के दायमगंज समोधीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से बालाजी स्टूडियो ऑनलाइन सेंटर में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित ने स्थानीय थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समोधपुर थाना उतराव निवासी ब्रजेश कुमार वर्मा, जो दायमगंज समोधीपुर में श्री बालाजी स्टूडियो ऑनलाइन सेंटर खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो रोज की तरह शाम को दुकान बंद कर अपने घर चला गया। रात में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने फोन पर सूचना दी तो संचालक मौके पर पहुंचा और ताला खोलकर शटर उठाया तो तेजी से आग जल रही थी। वहीं आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं संचालक ने स्थानीय थाने में लिखित रूप से तहरीर देकर सूचना दी। संचालक ब्रजेश वर्मा ने बताया कि आग की चपेट में एक कंप्यूटर, दो लैपटॉप, दो प्रिंटर, एक लेजर प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन समेत कई चीजें जलकर खाक हो गई हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रण विजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।